नहीं नहीं, हमारी घर में बात होती थी कि हम बाहर जब मिलेंगे तो मिलेंगे। ये जब से घर से निकला, ये घर से ना आप जाके मैं पहली बार बॉम्बे आया हूँ। हाँ, पहली बार ये मुंबई आया, तो आज हमारा वादा था एक दूसरे को मिलना, हम एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ पे मिल रहे हैं, और अच्छा लगा प्रियंका से बात होती थी। हाँ, अंकित से जबकि जब मेरा घर से एग्जिट हुआ था तो ऑलमोस्ट डेली बात होती थी हमारी, बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अंकित कैसा लग रहा है मुंबई आके? ओ फील्स लाइक होम। और मुझसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है यार। ऑफ कोर्स बॉम्बे इज हैज बीन माय होम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई मिस बॉम्बे। मैं ये भी नहीं बोल सकती कम बैक सून, बिकॉज़ आई रियली वांट हिम टू डू लाइक इसका सीरियल अच्छा चले, अभी अच्छा काम करे, बट आई विल कीप कमिंग। लेकिन देखिए सॉरी, ये एक चीज़ तो ऑलमोस्ट प्रूव हो जाती है कि जो दोस्तियां घर के अंदर होती थी वो सिर्फ कैमरा के लिए नहीं होती थी। हाँ, वो बाहर भी हमने मेंटेन की है, इसलिए नहीं क्योंकि मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उन्हीं के साथ दोस्त रह सकते हैं, दोस्त बने। आई एम सो हैप्पी टू सी हिम। साथ ही आज मुंबई आए तो क्या कुछ एंजॉय किया? सबसे पहले प्रियंका से मिल रहा है क्योंकि ये भी एक दो दिन के लिए आया, तो ही इज मीटिंग एवरीबॉडी। फाइनली साजिद जी से भी इसकी मुलाकात हो गई, तो अभी तक हमने कुछ ज्यादा नहीं, बस लंच करके आए थे, वही एंजॉय किया। लंच करने गए कितने बजे? लंच करने ये लोग 5 बजे गए, ये अंकित का टाइम टेबल, हम लेट हो गए थे। ये अभी तो छुट्टियों पे हो ना, आज दो दिन बजे करता है, छुट्टियों का टाइम टेबल है। मुझे कौन लेगा? साथ ही अंकित आपका तो सीरियल बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला? बहुत ही अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रियंका को लोग देखने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, खतरों आ रहा है, बहुत सारे प्रेडिक्ट कर रही थी प्रियंका इस बार आने वाली है, आप क्या कहना चाहोगे? प्रियंका को देखना चाहते हो खतरों? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उनको प्रिडिक्शन ही रहने दो, और व्हाटएवर शी विल डिसाइड, व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, आई एम श्योर शी विल डू विद अ बैंग, और बहुत जल्दी की बहुत ही कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन हम हमेशा देखते थे बिग बॉस के घर में आप कुछ ना कुछ सलाह देते ही रहते थे, प्रियंका आपका वो सलाह सिर्फ मुझे ऐसे अकेले में समझाता था ना, प्राइवेट बिग बॉस के घर में कौन किसको सलाह नहीं देता था, सलाह ही तो देते, हम दोनों बात नहीं कर रहे होते थे फिर भी हमारी सलाह तो चलती जारी रहती थी। अगर शो अगर कोई देखना चाहते हो प्रियंका को, अगर कोई शो में, तो किस तरीके का शो होना चाहिए? कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कि एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, जो मुझे उतना अट्रैक्ट कर सके। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाई एक्शन का, हाँ मतलब काइंड ऑफ वेरी ऐसा कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, और वेरी वो शो करना चाहती हूं जिसमें टीआरपी सबसे मैक्सिमम हो, यस, और मेबी together a very intense love story. No. साथ ही जिस तरीके से दोस्ती की बात आती है, लेकिन दोस्ती के अभी कुछ क्लिप्स हमने ऐसे देखे हैं, अब्दू के भी देखे हैं, स्टैंड के भी देखे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन एज अ फ्रेंड्स आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की उम्र देखिए, एक 19 साल का, एक 22 साल का है, दोस्तों में तो थोड़ा मन मटाव होते रहता है, कौन सी बड़ी बात है? आई एम श्योर एक बार मसाला डाल के ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाल ही में अर्चना को भी जब पूछा गया, अर्चना के तो कुछ अलग ही, इसीलिए तो वो अर्चना है, मैं सेम बोल रही थी, वो अर्चना है ना, अर्चना की बातें ऐसी रहती है, आपको तो पता ही है, सबने तो देखा है। अंकित, जैसे कि रियूनियन टाइप होगा, अभी आप आए हो तो किस किस से मिलना चाहते हो? सभी बिग बॉस के जितने भी आपके फ्रेंड्स? मैं एक्चुअली जिस से मिलना चाहता हूँ बिग बॉस से और किसी से नहीं। तो मैं आई एम समबडी जो बहुत मुश्किल से दोस्त बनाता है, और ऐसा मेरा बॉन्ड घर में किसी के साथ बना नहीं, तो जिनके साथ बना उनके साथ मैं खड़ा हूँ।
फिर लास्टली जो इतने सारे कमेंट्स अब तक आए हैं, प्रियांकित के जितने फैंस हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, कितने कमेंट्स आप पढ़ते हो और सबसे बेस्ट आपको क्या लगा है? सच बता, सच बता दीजिए, झूठ मत बोलिए। कमेंट्स तो बहुत सारे पढ़ते हैं, जितना भी टाइम मिलता है उसमें जितना भी कमेंट्स शायद इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, डीएम्स बेसिकली कभी कभी ऐसे देख ही लेते हैं, तो बीच बीच में बेसिकली हाँ जहाँ स्टोरी वगैरह में मेंशन होता है इसी, एंड वी जस्ट एंजॉय। हम ऐसा इतना कुछ सोचते नहीं है, बट वी जस्ट एंजॉय, इट्स अ फेज एंड बहुत मुश्किल के बाद ये फेज आया, तो वी जस्ट एंजॉय, वी जस्ट सेलिंग। ये किसको पता है? और कुछ कहना चाहोगे सभी फैंस को, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि बहुत टाइम से कि आप दोनों एक साथ मिले और आज मिल चुके हैं, बहुत ही जल्द वो देखने भी वाले हैं। एग्जैक्टली, तभी तो हमें पता है कि वो लोग कब से वेट कर रहे हैं कि प्रियांकित को एक साथ देखें, तो फाइनली ये भी टाइम निकाल के आ गए एंड प्रियांकित यही है और साथ में महेश साजिद जी भी है। तो ये ट्रायो देख रहे हैं, बेसिकली इन दोनों के बीच में मैं खड़ी हूँ, इसके साथ हम दोनों खड़े क्योंकि ये राजा जी था, हम दोनों शाही कुक। सो दे बोथ आर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। सो मैं इनसे पूछ भी रही थी कि साजिद जी आपको दोनों को अकेले बॉयज टाइम चाहिए तो वो भी कर सकते हो एंजॉय, इट्स फाइन, देन आई वाज लाइक कि चलो चल ही लेते हैं। सर एक आखिरी सवाल, यू नो कितना भी बिग बॉस ख़त्म हो गया हो लेकिन कभी भी फ्री टाइम में हम बैठे रहते तो कुछ ना कुछ यादें आती ही हैं, वो फ्रेंड्स का मिलना, कुछ ना कुछ हंसी मजाक, कोई एक चीज़ जो आपको बहुत याद आती है? आई थिंक मुझे जेन्युइनली, अगर मेरे को सच्ची, और मैं तो आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम, बट मुझे जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ, मैं मुझे अर्चना के खाने की बहुत याद आती है, वो बहुत 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 अच्छा खाना बनाती है।